हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी के इस सेशन में। तो आज के सेशन के दौरान हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जो हमने नया अपना सेशन स्टार्ट किए हैं की पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक्स, तो उससे ही रिलेटेड ये वीडियो है। और आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो जेनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये बहुत टफ है। पर जेनेटिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस शर्त ये है कि आपको उसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में समझना होगा। और ये बहुत छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इजीली समझ सकते हो। तो ये जो हमने सेशंस रिलीज किए हैं की पॉइंट्स ऑफ जेनेटिक्स, ये उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो जेनेटिक्स के क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन की पॉइंट्स को समझें और फिर आप देखें कि आप किस प्रकार इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि होमोजाइगस क्या हो गया, हेटरोजाइगस क्या हो गया। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप ज्ञान बांटोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। ज्ञान एक ऐसा धन है जो हमेशा बढ़ता है बांटने के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये दो पॉइंट्स हैं, होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। ठीक है, तो शुरू करते हैं होमोजाइगस से कि होमोजाइगस होता क्या है। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं होमोजाइगस की, तो सबसे पहले ना इस चीज़ को समझो कि जो इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द टू एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आर आइडेंटिकल देन इट इज सेड टू बी होमोजाइगस। यहाँ पर कहा गया है कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू एन से, यानी कि जिनके पास क्रोमोजोम के दो सेट होते हैं, यानी कि हर क्रोमोजोम, जैसे कि हम अगर अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो हमारे पास टोटल 46 क्रोमोजोम्स हैं, बट एक्चुअली इट इज अ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, 23 पेयर्स है क्रोमोजोम। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि हमारे पास 23 क्रोमोजोम, 23 सेट है, मतलब 23 सेट नहीं है, हर 23 पेयर्स है क्रोमोजोम के, जहाँ पर क्रोमोजोम 1 जो है उसके दो सेट हैं, क्रोमोजोम 2 जो है उसके दो सेट है, इस प्रकार। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो एलील्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे टू एलील्स है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दो जीन्स हैं जिनको हम एलील्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पे आप टर्म्स देखो, यहाँ पर टू एलील्स हैं, हमें पता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर जो आइडेंटिकल आर आइडेंटिकल, यानी कि अगर आपको अपने माता या पिता से, माता पिता दोनों से सेम ही जीन मिला हो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लेती हूँ आई के कलर के लिए, ठीक है, आपको अपने पापा से भी, आपको अपने जो आपके पापा हैं उनसे भी मान लीजिए आपको जो जीन मिला है वो आई कलर के लिए, ये ब्लैक जीन, मतलब ये बी जीन मिला है, और मम्मी से भी ये बी जीन मिला है। ठीक है, तो ये आपके में कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। अगर हम प्लांट का केस लेते हैं कि ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, तो अगर एक बच्चे को उसके माता पिता से दोनों से ही अगर ये दोनों जीन मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो होमोजाइगस कहलाएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि हमारे पास हर जीन के दो पेयर्स होते हैं। ठीक है, दो पेयर्स नहीं होते, एक्चुअली हर जीन के हमारे पास दो कॉपीज होती हैं। अगर वो दोनों कॉपी सेम है तो हम उसको कहेंगे होमोजाइगस, अगर वह दोनों कॉपी जो है वो सेम नहीं है उसे हम कहेंगे हेटरोजाइगस। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये है होमोजाइगस। अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ, स्मॉल टी क्रॉस किया, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये
होमोजाइगस कंडीशन, ये तीनों होमोजाइगस कंडीशन है। ब्लड ग्रुप का भी यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे कि जो ब्लड ग्रुप है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर, जैसे हम ह्यूमंस हैं, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड ग्रुप है हमारे में, तो यहाँ पर तीन जीन होते हैं उसके लिए, IA, IB और IO, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर आपको अपने मम्मी पापा दोनों से ही IA जीन मिला, ठीक है, IA जीन मिला, ठीक है, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, ठीक है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। अगर आपको अपनी मम्मी पापा दोनों से IB जीन मिला, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, ये होमोजाइगस कंडीशन है। और आप को माता पिता दोनों से ही आई ओ जीन मिला, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, तो ये होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि दोनों जीन सेम ही कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है, यानी कि होमो का अर्थ होता है समान, यानी कि सेम। तो आई होप आपको समझ में आया होमोजाइगस क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हेटरोजाइगस पर। सिंपल, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द टू एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आर डिफरेंट और कंट्रास्टिंग देन इट इज सेड टू बी हेटरोजाइगस, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये जो दो एलील हैं जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मान लो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, प्लांट की लेंथ हो सकती है, ठीक है, स्किन का कलर हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि फ्लावर की पोजीशन हो सकती है, या फिर हमारे अंदर हम बात करें ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो वो एक्स वाई जेड कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम इसको ब्लड ग्रुप के उदाहरण से ही समझेंगे, जैसे कि हमारे पास तीन जीन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई ए मिला अगर आपको अपने पापा से, और आई बी मिला आपको अपनी मम्मी से, ठीक है, तो ये तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है, ये हेटरोजाइगस कंडीशन होगी। दूसरी तरफ ये दोनों जो है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आपको आई ए मिला अपने पापा से और आई ओ मिला अपनी मम्मी से, तो ये कंडीशन होगी हेटरोजाइगस, ठीक है, ये कंडीशन हो गई हेटरोजाइगस। आई बी मिला पापा से, आई ओ मिला मम्मी से, तो ये कंडीशन हो गई हेटरोजाइगस। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, जब हमारे पास दोनों जीन्स जो होते हैं वो एक जो एक जैसे कैरेक्टर को एनकोड नहीं करते हैं, उस कंडीशन को हम हेटरोजाइगस कहते हैं। प्लांट में अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर टॉल प्लांट को ले लेते हैं, ठीक है, ये टॉल प्लांट था, ठीक है, पी का ये शॉर्ट प्लांट था, यहाँ पर गैमिट आया कैपिटल टी, यहाँ पर गैमिट आया स्मॉल टी, तो इनके बीच में फ्यूजन होने पे जो गैमिट बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा हेटरोजाइगस को, ओके। लेकिन ये जो माता पिता हैं ये क्या है, होमोजाइगस। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हेटरोजाइगस क्या है, हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि जब दो एलील एक ही कैरेक्टर को जब एनकोड करेंगे, एक ही कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन वो कैरेक्टर एक दूसरे के कंट्रास्टिंग होंगे। जैसे कि इस केस में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं प्लांट की हाइट के लिए, ठीक है, लेकिन जो स्मॉल टी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्टनेस इन प्लांट, एंड कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस इन प्लांट, ओके। तो हेटरोजाइगस एंड होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, यानी कि दो जीन अगर हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हैं और वो दोनों जीन एक ही कैरेक्टर के, एक ही कैरेक्टर एक है लेकिन वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, तो वो होमो हो गया। लेकिन अगर
पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो कंट्रास्टिंग है या डिफरेंट है, तो वो हीटर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेटरो और होमोजाइगस कंडीशंस क्या हैं। ओके, तो अब नेट के एग्जामिनेशन